अध्याय 21। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को ये कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो, प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया, और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब महायाजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशाना पुकारते हुए देखा, तो क्रोधित होकर उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई? तब वो उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनियाह को गया और वहां रात बिताई। भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी, और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। वो मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था कि महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किस अधिकार से करता है, और तुझे ये अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, यदि वो मुझे बतलाओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से था? तब वे आपस में विवाद करने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों ना की? और यदि कहें मनुष्य की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता जानते हैं। सो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया।
फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हां जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उसकी प्रतीति न की, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसकी प्रतीति की, और तुम ये देखकर पीछे भी न पछताए कि उसकी प्रतीति कर लेते। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्थ था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठीका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को पत्थर वाह किया। फिर उसने और दासों को भेजा जो पहलों से अधिक थे, और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये कहकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, ये तो वारिस है, आओ उसे मार डालें और उसकी मीरास ले लें। और उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वो उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बारी का ठीका अन्य किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर ये गिरेगा उसको पीस डालेगा। महायाजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वो उनके विषय में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वो उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे।